Hello friends, welcome back to my channel and welcome to another episode in the series of term insurance. अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है then do watch it out because it emphasizes on the need of having term insurance. Plus उसमें मैंने बात की है कि किन लोगों को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए एंड एटलीस्ट कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. नाउ ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की कॉन्टेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे थम्स अप जरूर दें. नाउ आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि विच इज़ द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस फॉर यू. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू हाईलाइट सर्टन थिंग्स फॉर यू विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू ऑप्ट फॉर एनी टर्म इंश्योरेंस. Now the first thing is do take a term insurance considering your income, expense and liability. Now why income? Because आप अपनी income में से ही premium pay करने वाले हो तो इतना भी hefty amount का premium अपने सर पे मत उड़ेल लेना कि उसको pay करने में दिक्कत आए. Expense बिकॉज एक्सपेंस विल हेल्प यू डिटरमाइन कि आपको कितने अमाउंट का कवर लेना चाहिए. अगर मेरी मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 है तो इट मेक्स 6 लैक्स पर ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इट विल बी 60 लैक्स. तो ऑन एंड ऑल ये मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस है जो मुझे पता है. इसके अलावा अगर मैंने कोई लाइबिलिटी ले रखी है लाइक मे बी अ व्हीकल लोन और अ होम लोन जो कि सपोज 20-30 लाख रुपये का है तो 60 + 20 इज लाइक 80 लाख रुपीज. एंड थोड़ा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर आप ये अमाउंट डिराइव करें तो समवेयर यू विल हिट अराउंड 1 करोड़. तो एक 1 करोड़ का सम अश्योर्ड लेना मेरे लिए जरूरी है कंसिडरिंग द एक्सपेंसेस दैट आई एम हैविंग. सो डेफिनेटली मुझे मेरे एक्सपेंसेस को ध्यान रख के ही अपना टर्म इंश्योरेंस लेना है. एंड लाइबिलिटीज तो मैंने लाइबिलिटी वाला फैक्टर ऑलरेडी एक्सपेंस में इंक्लूड कर लिया है. तो डू कंसिडर योर लाइबिलिटीज ऑल्सो दैट यू फोर सी. आई मीन हो सकता है आज की डेट में आपने ना लियो बट मे बी आप कोई घर लेने वाले हो अगले 1-2 साल में तो प्लीज उन फैक्टर्स को भी कंसिडर कीजिए अपनी पॉलिसी में एंड उस हिसाब से पॉलिसी लीजिए. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी कंसिडरिंग वैन यू आर डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉलिसी फॉर योर सेल्फ. नाउ सेकेंड पॉइंट दैट यू शुड बी कंसिडरिंग इज द क्लेम सेटलमेंट रेशियो. तो ये वो रेशियो होता है जो बताता है कि आप सपोज मैं HDFC लाइफ का ले रही हूँ तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है. तो वो ये बताता है कि आउट ऑफ 100 क्लेम्स दैट वर यू नो सबमिटेड टू HDFC लाइफ आउट ऑफ दैट 98 क्लेम्स हैव बीन प्रोसेस्ड बाय देम. तो जितना अच्छा ये रेशियो रहता है उतना ही बेटर होता है. तो बहुत सारे लोग ये तो बता देंगे कि यू नो कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखो. लेकिन मैं ये बोलूंगी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आइसोलेशन में मत देखो, अकेले में मत देखो. यू सी द क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन कंजंक्शन विद द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट वॉज प्रोसेस्ड. फॉर एग्जाम्पल HDFC लाइफ ने लास्ट ईयर लेट से 1000 करोड़ के क्लेम प्रोसेस किए हैं. तो 1000 करोड़ के क्लेम प्रोसेस करते टाइम उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% था. कोई और कंपनी भी हो सकती है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है लेकिन उसने साल में 100 करोड़ के ही क्लेम प्रोसेस किए. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग इट इज 99% बट अगेंस्ट 100 करोड़ ऑफ क्लेम दैट वर प्रोसेस. चांसेस है जब उसके वो 1000 हो जाएंगे 1000 करोड़ के क्लेम प्रोसेस तो उस टाइम पे वो 99 भी कम होके 98 हो जाए या हो सकता है 97 हो जाए. तो आप जब भी इवेल्युएट कर रहे हो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इवेल्युएट इट इन कंजंक्शन विद द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट वॉज प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो इट विल हेल्प यू इन टेकिंग अ बेटर डिसीजन. नाउ द थर्ड थिंग दैट यू शुड सी टू डिटरमाइन द बेस्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर यू इज टिल वॉट एज आर यू टेकिंग द टर्म इंश्योरेंस प्लान. तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है कि आप 50 की एज तक लो कि 80 की एज तक लो. लेकिन मेरे हिसाब से आइडियली आप कम से कम उतनी एज तक तो लो जितनी एज तक आप प्लान कर रहे हो कि आप अर्न करोगे अपनी लाइफ में. सो इफ आई एम प्लानिंग टू अर्न टिल 60 ईयर्स ऑफ एज तो एटलीस्ट मैं अपना जो कवर है वो 60 या 62 तक का लूंगी टू एंश्योर कि मेरा जो अर्निंग पीरियड है वो कवर्ड हो. तो अर्निंग पीरियड के बीच में मुझे कुछ अगर हो जाए तो मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ये पैसे मिल जाएंगे.
नाउ द फोर्थ थिंग इज दैट इवैल्यूएट. अभी ऑनलाइन का जमाना है एंड यू गेट सो मैनी रिसोर्सेज यू नो ऑनलाइन. इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं लाइक पॉलिसी बाजार वेर यू कैन कंपेयर वेरियस पॉलिसीज फॉर योर सेल्फ लाइक ICICI का, टाटा AIA का वर्सेज HDFC लाइफ का एंड डिटरमाइनिंग वॉट इज बेस्ट फॉर यू. अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है यू कैन कॉन्टैक्ट देयर एजेंट्स या फिर आप कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स को भी कॉल कर सकते हो एंड यू नो ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लान्स दैट यू आर एनालाइजिंग एंड देन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल थिंग दैट यू एनालाइज मल्टीपल पॉलिसीज कि उनके क्या फैक्टर्स, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कितना प्रीमियम आप दे रहे हो, लाइक इवेल्युएट एवरीथिंग अबाउट देम एंड देन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. ओके, नाउ द फिफ्थ थिंग वेन यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग द बेस्ट प्लान फॉर योर सेल्फ इज कंसिडर द राइडर्स ऑल्सो. सो वेन आई एम सेइंग राइडर्स वॉट डज दैट मीन, तो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी कवर और द सम अश्योर दैट यू आर टेकिंग, सपोज मैं 1 करोड़ का सम अश्योर ले रही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ राइडर्स के लिए ऑप्ट कर सकती हूँ जिसके लिए मुझे एडिशनल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा. तो वो वेरी करता है लाइक कौन से टाइप का राइडर ले रही हूँ उसके हिसाब से चार्जेस रहते हैं. तो किन टाइप के राइडर रहते हैं, लाइक क्रिटिकल इलनेस का राइडर रहता है, एक्सीडेंटल कवरेज का राइडर रहता है. तो इन सब केसेस में क्या होता है, अगर मैंने इन राइडर्स के लिए ऑप्ट किया, सपोज क्रिटिकल इलनेस वाले राइडर के लिए ऑप्ट किया एंड अगर मुझे कुछ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है जो उनके लिस्ट में लिस्टेड है, तो मेरा जो प्रीमियम है आगे का मुझे पे करना है वो वेव ऑफ हो जाएगा लेकिन मेरी पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी. तो एक नॉमिनल अमाउंट दे के आई कैन ऑप्ट फॉर क्रिटिकल इलनेस राइडर, जहां पे अगर कोई बीमारी हो जाती है ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस एटलीस्ट मेरे पे वो प्रीमियम का बर्डन ना आए इन फ्यूचर. सो डू कंसिडर वेरियस राइडर्स दैट दे हैव. फ्यू आर लाइक एक्चुअली नॉट नीडेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फ्यू आर फाइन टू कंसिडर एंड यू कैन एक्चुअली लुक एट देम एंड डिटरमाइन इफ यू रियली नीड देम. सो इफ यू रियली रियली नीड देम डू एड इट टू योर पॉलिसी बिकॉज एट अ नॉमिनल प्राइस आपको एक अच्छी डील मिल सकती है. एंड द सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक कंप्लीट डिस्क्लोजर्स इफ यू आर चूजिंग द बेस्ट प्लान फॉर यू. व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीट डिस्क्लोजर्स मीन्स एज सून एज यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग प्लान्स ऑनलाइन, वो आपसे पूछेगा कि आप टबैको लेते हो, अल्कोहल लेते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज डू नॉट हाइड एनी फ्रॉम देम बिकॉज फ्यूचर में अगर वो फिगर आउट कर लेंगे देन इट विल बी मोर प्रॉब्लम एंड आपका जो पूरा पर्पस है टर्म इंश्योरेंस लेने का हो सकता है वो ही डिफीट हो जाए. तो प्लीज मेक अ कंप्लीट डिस्क्लोजर अबाउट योर सेल्फ एंड देन टेक एन अप्रोप्रिएट प्लान फॉर योर सेल्फ. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू एंड दीज हेल्प यू इन टेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन. इफ यू लाइक द कॉन्टेंट ऑफ दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू विद मोर सच कॉन्टेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.